मैंने कोशिश तो की है इस बात को स्पष्ट करने की, और तारीख निश्चित करने से मेरे ऊपर भी एक अनुशासन बन जाता है, क्योंकि उस तारीख के अनुसार मुझे भी अनुशासित ढंग से कार्य करना है। जो ट्रस्ट ने, जो हमारी ट्रस्ट है, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मंदिर का प्रथम चरण 30 दिसंबर 2023 को पूर्ण हो जाना चाहिए। प्रथम चरण में क्या होगा, तो यह स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण में जो पांचों मंडप हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो मंडप है पांच, जिसमें सबसे प्रमुख तो गर्भगृह है जहां भगवान स्थापित होंगे, फिर गुरु मंडप है, प्रार्थना मंडप है, नृत्य मंडप है, तो जो पांच मंडप हैं ये पूर्ण हो जाने चाहिए। पांचों मंडप के कंस्ट्रक्शन में लगभग 160 स्तंभ हैं, पिलर जिसको कहते हैं, वो पूर्ण होने चाहिए। उसमें जो आइकोनोग्राफी का कार्य है वह पूरा होना चाहिए। जो लोअर प्लिंथ, मंदिर का जो लोअर प्लिंथ होगा निर्माण में, उसमें जो प्रसंग है भगवान राम के, उन प्रसंगों की शुरुआत हो जानी चाहिए और बिजली की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। यह सब कार्य 30 दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। उसके बाद जो पहली स्टोरी है, प्रथम और दूसरी जो सेकंड स्टोरी है, जो आपने डिजाइन देखा होगा, उसके लिए और जो परिक्रमा के लिए स्थान जिसको हम परकोटा कहते हैं, यह सब 30 दिसंबर 2024 को पूर्ण होगा। तो भगवान स्थापित हो जाएंगे, श्रद्धालु का दर्शन उसके मंदिर में जिसकी वो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अब वह अपने मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेगा। यह कार्य 30 दिसंबर 2023 तक पूर्ण होने का प्रयास किया जा रहा है। मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष, जो कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अंतर्गत निहित था, तो अध्यक्ष की हैसियत से जो भी जिम्मेदारी और जितना भी निर्णय लेना है उनको मैं भली भांति, और एक तरीके से आप समझें कि परिचित हूं, और पूरी कोशिश है कि 30 दिसंबर 2023 तक श्रद्धालुओं को उनके भगवान